सर एक वैकेंसी है फीमेल टीचर के लिए खेमनी चौक प्ले स्कूल से, ठीक है। 9 से 12 स्कूल की टाइमिंग है। पेमेंट जो है 4-5 के बीच में मिल जाएंगे। जो भी टीचर इंटरेस्टेड हैं खेमनी चौक एरिया, खेमनी चौक एरिया का मंगल तालाब के, मंगल तालाब या मंगल चौक करके है कुछ ऐसे जगह का नाम, उसी के आसपास स्कूल है। तो जो भी टीचर प्ले स्कूल के बच्चों को, नर्सरी LKG UKG 1-2 तक स्कूल चल रहा है, 3 से 3 घंटे का स्कूल है, 9 से 12, 9 बजे आपको जाना है, 12 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो जो भी टीचर इसमें इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल अपना रिज्यूम हमारे पास सेंड करें, नंबर लेकर के जा सकते हैं। वो भी बिल्कुल अगर इस स्कूल की वैकेंसी के लिए अगर कोई टीचर रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहती है, या आप हमसे पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप नए हैं, तो आप अपना CV भेज दीजिए, अपना डिटेल शेयर कीजिए, और आप इसमें विदाउट रजिस्ट्रेशन भी जा सकते हैं। सिर्फ इस स्कूल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कई बार होता क्या है ना कि आप लोग देख लेते हैं, देखिए मैं फ्री में सबसे पहली बात तो कोई काम करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं फ्री में इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग वीडियो को शेयर करें, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है और उनकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको मैं सोचता हूँ कि चलिए, लेकिन मैं सारा काम फ्री में नहीं ना करने लगूँगा भाई। तो बहुत सारे टीचर ऐसे आते हैं कि सर आप ये वाला फ्री फ्री में बोल रहे थे, तो हमको भी आप फ्री में दे दीजिए। तो भैया मेरे अंबानी से या मोदी से रिलेशन नहीं हुआ है अभी, ठीक है, अगर हो जाएगा तो मैं फिर सोचूंगा, ठीक है ना, हो जाएगा तो फिर मैं ये सब काम काहे के लिए करूँगा भाई, बताइए, सच्चाई यही है। तो कहने का मतलब है कि मैं इस वैकेंसी में बात कर रहा हूँ, इस स्कूल की वैकेंसी है, इसमें कोई टीचर जाना चाहती है, ठीक है, तो जा सकती है। आप वहाँ जाइए पढ़ाइए, आपको जब सैलरी मिले वहाँ से तो कुछ इधर आप भेजिएगा, जो हमारा बनता है 50%, हम लोग 60% लेते हैं, उसको आप हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये इसमें आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, और आप टीचर हैं, ऑनेस्ट नहीं है तो आप टीचर नहीं हैं। बहुत सारे टीचर लोग करते हैं, और बहुत से लोग नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि भाई ये मेरा पूरा हो गया है। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें आप लोग भी जानते ही हैं, तो इन सब बातों पर चर्चा नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, पॉजिटिव एनर्जी को देना है, ठीक है। अब देखिए एक बात बताते हैं, मैं कंसल्टेंसी स्टार्ट किया था तो आप समझ लीजिए कि मैं मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च किया था, आपको मैं बता रहा हूँ 25 से 30 हज़ार रुपया शायद मैं खर्च किया हूँ मे बी, ठीक है। और मुझे एक किक मिला बहुत अच्छा कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 2-4 मेरे पास 11-12 के ही ट्यूशन आए, और आप जानते हैं कि 11-12 का ट्यूशन, ये बात है 2009-10 की, उस समय ट्रैफिक भी कम थी, और जो भी ट्यूशन आए 9-10 में ही, तो उस समय के हिसाब से वो अच्छे अमाउंट के ट्यूशन आए, मतलब समझ लीजिए 300 रुपये क्लास 9-10 में, तो 300 रुपये क्लास अभी का 900 रुपये क्लास के बराबर है, जो महंगाई का रेशियो है उस हिसाब से। तो कहने का मतलब है सर कि आई तो मुझे किक मिला, तो मुझे फर्स्ट मंथ में ही करीब अच्छा अमाउंट आ गया, मतलब कि मेरी पूंजी जो लगी थी वो निकल चुकी है, फिर मैंने उसको री इन्वेस्टमेंट करते करते आज हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। मेरा एडवर्टाइजिंग खर्च सिर्फ मैं मंथली आपको बता रहा हूँ, मैं 4 से 5 लाख रुपये कर देता हूँ। तो सबसे पहली मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ सर कि अगर टीचर देते नहीं हैं तो मैं लाता कहाँ से हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे बहुत से टीचर नहीं भी देते हैं, मतलब बहुत से नहीं है, कुछ ही लोग हैं, ठीक है, जो चुतिया टाइप के काम करते हैं, नहीं देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब देते नहीं है तो मेरे पास आता कहाँ से है, ठीक है ना, ना तो मैंने अभी तक बाबूजी का एक कट्ठा खेत वेत कहीं बेचा हूँ, ठीक है, और ना मैं किसी से इस काम के लिए मेरे ऊपर कोई तरह का, अगर मैं किसी से अगर सपोज डैट मुझे कर्ज की भी ज़रूरत पड़ी है तो मैं लिया हूँ, फिर इसी से मैं अर्न करके उसको मैं रिटर्न भी कर दिया हूँ, तो सब कुछ तो यही चल रहा है। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत लोग देते हैं, और आप लोग भी जाइए कीजिए, ठीक है ना। और मैं इस चीज़ से बहुत हैप्पी हूँ कि आज के डेट में आपको मैं बता देता हूँ कि मैं 100 टीचर से जुड़ता हूँ तो 2 ही टीचर, ठीक है, करीब मतलब कि इस माइंडेड मतलब कि होते हैं चूतिया जिसको कह सकते हैं आप, कोई गलत बात नहीं है, गलत को गलत कहना गलत बात नहीं है, चाहे आप टीचर हो चाहे आप कोई भी रहे, ठीक है। तो
और बाकी 98 तो भाई बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास तो आपको क्या बताऊं सर कि बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे, अब मैं इसके लिए लक्की हूं क्योंकि मैं आज से 3 महीना पहले एक मैं पटना के बहुत बड़ी कंसल्टेंसी में गया था, मुझे बुलाया गया था खास करके, उनसे मेरी बातचीत होते रहती थी तो, और मैंने उसे शुरू शुरू में 10 साल पहले ट्यूशन लेके भी पढ़ाया था, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, आप लोग जानते होंगे उनको, तो बुलाया था तो उनके पास मैंने देखा, तो मैंने एक ही चीज़ देखा कि उनके पास निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब निगेटिव एक्टिविटी की, ये सर ऐसे करते हैं, ये सर पेरेंट्स ऐसे करते हैं, अरे भाई सब कुछ करते हैं तो यार छोड़ दो ना, बहुत ही नफरत है तो छोड़ दो ना, नहीं तो उसका सोलूशन ढूंढो। मैंने तो हर चीज़ का सोलूशन ढूंढा, ठीक है, और मैं ढूंढ रहा हूँ और आप लोग का सपोर्ट भी है। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं इस बात पे घमंड नहीं करता हूँ, पटना में ये जो पोस्टर सटा सटा हुआ जगह जगह देखते हैं ना, तो उसका देन मैं हूँ। सबसे पहले मैंने ही पोस्टर सटा था, इससे पहले बोर्ड लगता था और जनरल लोकल लेवल पे पोस्टर कोई नहीं चिपकाता था, तो मैंने ही चिपकाना स्टार्ट किया था पोस्टर, 2009 की कहानी है, मैंने ही चिपकवाया था। तो उसको देखते देखते मैंने देखा कि इसमें बहुत सारा भीड़ भाड़ लग गया, अब तो कोई टीचर ही 100 पेज जीरोक्स करके अपना चिपका देता है। खैर ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हर कोई को करना चाहिए, हर कोई को जाके चिपकाना चाहिए भाई, स्ट्रगल है। अगर आपका मान लीजिए कि लक साथ दिया, आपकी मेहनत सफल हुई तो आप क्लिक कर जाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, हर कोई को नहीं होता, हर कोई का नहीं हो सकता है। देखिए आप दूसरों की कॉपी करेंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब कि सक्सेस मिल जाएगा, आप अपना कुछ सोचिए, अपना कुछ यूनिक माइंड लगाइए जिससे कि आपका रिजल्ट, कोई उस फील्ड के बारे में ना सोचता हूँ इस तरह का। और मैं अभी आपको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ, जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े होंगे, देखिए आपको मेरे पास करीब 7-8 कंसल्टेंसी का मेरे पास व्हाट्सअप चैनल आ गया है, ठीक है, और मैं चैनल पिछले 4 महीने से चला रहा हूँ, चैनल टेलीग्राम चैनल मैंने पहले बनाया, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप में सिक्योरिटी नहीं है, नंबर हिडन नहीं हो पाता है, तो मैंने उसको अनसेफ समझा और मैंने उसको छोड़ दिया, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, और आज टेलीग्राम के बाद आज व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है मार्केट में, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, मेरे टेलीग्राम पे करीब 1500 मतलब कि टीचर जुड़े हुए हैं, 1500 के लगभग हैं, और व्हाट्सएप चैनल तो मैं उसको इतना भी मैं, जबकि व्हाट्सएप बहुत फ्रेंडली है लेकिन मैं टेलीग्राम पर ही पोस्ट करूँ, मेरी आदत सा हो गया है, अब एक ही पोस्ट को कहाँ कहाँ करूँ, व्हाट्सएप चैनल पर मैं चाह रहा हूँ सभी टीचर अब आए धीरे धीरे, उस पर भी करीब 200-250 हो चुके हैं लगभग लग रहा है। और आज मेरे पास कई सारे कंसल्टेंसी का आया, जिसमें एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, कबीरा वाले का मेरे पास मैसेज आया था पर्सनली, ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि ये सर का भी कंसल्टेंसी है, और वो जिसको जानता है कि ये इनेबल होम ट्यूशन के ये मालिक हैं उनको ये नहीं पहचानता है, ठीक है, ये हिडन है, और वो एज ए मुझे टीचर वो जानता है क्योंकि मैं एज ए टीचर भी हूँ, तो आज चैनल भी बन रहा है सबका, धीरे धीरे सबका आ जाएगा, सबका देखिएगा, सबका फेसबुक भी बन जाएगा, व्हाट्सअप भी बन जाएगा, यूट्यूब, फेसबुक तो बहुत सारा लोग बनाए हुए हैं, अकाउंट बनाए हुए हैं, पेज बनाए हुए हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए, ठीक है ना, कि लोग आपको मतलब कि ज़्यादा लाइक करें, लोग आपके मतलब कि प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हों, तब जा कर के आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने ऑफ़र दिया था अभी खेमनी चौक के स्कूल के लिए, जिन जिन टीचर को जाना है, अगर आपके संपर्क में कोई टीचर है, खेमनी चौक में एक वैकेंसी है स्कूल की, प्ले स्कूल की, 9 से 12 टाइमिंग है, अगर आप इंटरेस्ट